Hello friends, today we are going to learn about factorization method. अगर हमारे पास square है, square का area हमें पता है, लेकिन हमें square की side पता करनी है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब obviously हमें square root find करना पड़ेगा. तो square root find करने के लिए basically दो methods हैं. First prime factorization method and second division method. तो इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज दिस इज अ स्क्वायर हैविंग एरिया 144 मीटर स्क्वायर. And we have to find out its side. Then we have to use this method for finding its side. Side find कर रहे हैं हम, मतलब उसका square root find कर रहे हैं. Prime factorization method में हम number को as it is लिख लेते हैं, फिर उसको divide करते हैं. Smallest whole number से divide करते हैं. एक बात ध्यान में रखनी है कि smallest whole number होना चाहिए. तो डिवाइड करने के लिए हम मतलब 2 से डिवाइड करेंगे. हमें पता है कि अगर यूनिट डिजिट में इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर 4 है, यानी यूनिट केस पर इवन नंबर है. फिर से यहाँ पर इवन नंबर है, ये तो हमने डिवाइड कर लिया. डिवाइड कब तक करना है? जब तक ये वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं आ जाती. उसके बाद 144 के जो हमने फ्रैक्शन निकाल लिए है वो फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे. 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3. तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसलिए हम 2 के पेयर बना लेंगे. और 2 के पेयर बनाने के बाद हम पेयर में से एक नंबर नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. हमारा आंसर आ गया 12. एंड 12 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 144. सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर अस.